Hello students, how are you? I hope you all are fine and taking care of yourself. In last video, I was discussing about Carbohydrate in which I have discussed the type of monosaccharides and their structure. Now in this video, I will discuss about Apimers, Anomers and about Oligosaccharides. So let us start the class. Now first of all, Apimers. Exactly Apimers are the compounds having the same chemical formula but

ग्लूकोज जो ग्लूकोज का चेंज स्ट्रक्चर है यू कैन से दिस दिस इज दल डीहाइड ग्रुप एंड वी ऑलवेज यूज टू गिव इट द फर्स्ट और वन नंबर राइट तो ये सिक्स कार्बन है और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है चार ए सीमेट्रिक कार्बन है ए सीमेट्रिक कार्बन आर दो कार्बन विच कंटेन्ट्स और विच अटैच विद दिफरेंट ग्रुप्स ऐसे कार्बन जो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं ए कार्बन तो आप देख सकते हैं ये एक कार्बन ये अलग चार ग्रुप से अटैच है थर्ड कार्बन जो है वो भी अलग चार ग्रुप से अटैच है फोर्थ कार्बन भी और फिफ्थ कार्बन भी तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में चार ऐसे कार्बन हैं जो कि एसिमेट्रिक है अब सेम इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स राइट इसका एक एपीमर है मैनोस मैनोस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ही होता है राइट right? बट आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में एक जगह डिफरेंस होगा चार ए सीमेट्रिक कार्बन जो है अगर हम बात करें फिफ्थ कार्बन में तो आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है ओ एच ग्रुप इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड लेफ्ट साइड पे एच एटम और नीचे सी एच टू एच फोर्थ नंबर पे जो कार्बन है एसिमेट्रिक कार्बन उसमें भी स्पेशल अरेंजमेंट किसी भी ग्रुप का कहीं कोई डिफरेंस नहीं है थर्ड कार्बन जो है थर्ड कार्बन पे भी यू कैन सी ओ एच ग्रुप दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड एच एटम इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड ठीक है तो यहां भी इस कार्बन पे भी ये एसिमेट्रिक कार्बन के चारों तरफ भी जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बट एट द सेकेंड कार्बन एट द सेकेंड कार्बन यू कैन सी दैट इन ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द राइट साइड एंड इन मैनोज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन इज ऑन लेफ्ट साइड तो ये जो एसेमेट्रिक कार्बन सेकेंड कार्बन जो एसेमेट्रिक कार्बन है इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रुप्स अटैच्ड है जो चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है राइट तो इन चार डिफरेंट ग्रुप्स में से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है ग्लूकोज में राइट साइड पे है और मैनोज में लेफ्ट साइड सो so, ये ग्लूकोज और मैनोज ये दोनों ही ये एपीमर्स है ये ऐसे आइसोमर्स है जिन्हें हम कहेंगे एपीमर्स जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट जो स्पेशल अरेंजमेंट है ग्रुप्स का वो किसी एक एक एसिमेट्रिक कार्बन पे मीन्स कार्बन टू पे क्या है डिफरेंट है ओके okay? ऐसे ही एक और एपीमर है ग्लूकोज का दैट इज गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज जो है इसका भी केमिकल फॉर्मूला जो है इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज दैट इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स बट सिमिलर टू दी ग्लूकोज गैलेक्टोज के पास भी चार एसिमेट्रिक कार्बन है ओके तो गैलेक्टोज के वो चार एसिमेट्रिक कार्बन में इफ यू विल स्टडी देन यू कैन सी दैट देर इज नो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन कार्बन टू नो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन थ्री बट देर इज अ डिफरेंस इन द अरेजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन एसेमेट्रिक कार्बन फोर यहां पर इस फोर्थ एसिमेट्रिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज में राइट right साइड पर है और गैलेक्टोज में इट इज प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड फिफ्थ कार्बन पे फिर आप देख सकते हैं जो ये फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन है यहां पर इस एसिमेट्रिक कार्बन पे अरेंजमेंट में ग्रुप्स के कोई डिफरेंस नहीं है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी क्या है एपीमर्स तो यू कैन से दैट ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स एट कार्बन टू एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स एट कार्बन फोर ओके नाउ नेक्स्ट इज एनोमर्स नाउ एग्जैक्टली दिस एनोमर्स आर द साइक्लिक मोनोसाइक्राइड विच यूज टू डिफर इन इट्स स्ट्रक्चर ओनली एट द एनोमेरिक कार्बन नाउ अगर हम बात करें एनोमेरिक कार्बन की तो एनोमेरिक कार्बन क्या है एनोमेरिक कार्बन इज दैट कार्बन विच इज प्रेजेंट इन दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ये जो ग्लूकोज की अगर हम बात करें ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये एल्डिहाइड ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड द कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन दंक्शनल ग्रुप जो इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन इन्वॉल्व है जो प्रेजेंट है उस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो लोएस्ट नंबर प्रेजेंट है लोएस्ट नंबर पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं एनोमेरिक कार्बन ओके एंड वॉट आर एग्जैक्टली एनोमर्स एनोमर्स आर दी साइक्लिक मोनोसाइक्राइड्स विच ओनली डिफर्स इन इट्स स्ट्रक्चर एट दी एनोमेरिक कार्बन मीन्स सी वन कार्बन पर उनके जो ग्रुप्स के अटैचमेंट होती है उनके अरेंजमेंट में वो डिफर करेंगे वो भी उनके साइक्लिक फॉर्म में अगर ग्लूकोज के एनोमर्स की बात करें तो एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज ये दोनों ही ग्लूकोज हैं बट ये दोनों एनोमर्स हैं क्योंकि ये जो कार्बन वन है वहां पर जो ओ एच मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एच एटम का अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफर कर रहा है अल्फा ग्लूकोज वो है जिनकी स्ट्रक्चर में कार्बन वन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये कार्बन सिक्स सी एच टू ओएच ये दोनों अपोजिट प्लेन में प्रेजेंट है अगर हम इसे एक प्लेन लें ये अगर एक प्लेन लें तो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जिसमें सी वन कार्बन का ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप और C6 सिक्स कार्बन जो है वो दो अपोजिट प्लेन्स में हो अपोजिट प्लेन्स में उसे हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चरली जो बीटा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज में जो अगर ये एक प्लेन है तो बीटा ग्लूकोज में C1 वन कार्बन से अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज प्रेजेंट ऑन दी सेम प्लेन इन विच कार्बन सिक्स इज प्रेजेंट तो कार्बन सिक्स और कार्बन वन पर प्रेजेंट ओ एच या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अगर वो एक प्लेन में हो तो उसमें कहते हैं बीटा ग्लूकोज एंड एज यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज डिफर्स एट कार्बन वन दैट इज एट एनोमेरिक कार्बन ड्यू टू डिफरेंस इन अरेन्जमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एच एटम

इन देशियल अरेंजमेंट ऑफ दी ग्रुप्स अटैच टू दी कार्बन एटम जो कार्बन एटम्स से जो ग्रुप्स है उनके अरेंजमेंट में ग्रुप्स अटैच उनके अरेंजमेंट में स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है पर इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है तो ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं एंड एनोमर्स मीन्स अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर दी स्टीरियो आइसोमर्स विच आर दी एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज ओके नाउ

अगर दो शुगर यूनिट एक साथ अटैच्ड हैं या दो मोनोसेक्राइड्स अटैच्ड हैं तो उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स अगर तीन शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड्स एक साथ अटैच है उसे कहते हैं ट्राई और ऐसे ही दस तक जो है ग्लूकोज यूनिट अगर या फिर दूसरे शुगर यूनिट्स मोनोसेक्राइड्स अटैच हुए तो वो ओलिगोसेकराइड्स में आएंगे हियर यू हैव टू स्टडी अबाउट डाइसेक्राइड्स नाउ डाई आर दी ऑलिगोसेकराइड्स विच कंटेन्स टू मोनोसेक्राइड्स ओके तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं माल्टोस लैक्टोज शुक्रोज तो ये तीन एग्जाम्पल्स आप देखें अगर डाइसेकराइड्स की तो so, माल्टोव जो है एग्जैक्टली माल्टोव इज अ टाइप ऑफ डाइसेकराइड और अ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड बाई दी अटैचमेंट और कंडेंसेशन ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट दो ग्लूकोज यूनिट अटैच होंगे तो वो बनाएंगे डाइसेक्राइड कॉल्ड माल्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज अटैच होकर बनाते हैं डाइसेक्राइड कॉल्ड लैक्टोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गेट कंडेंस्ड और अटैच टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड कॉल्ड सुक्रोज ओके नाउ यू विल सी दॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी टू शुगर यूनिट टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड तो माल्टोज का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दो ग्लूकोज यूनिट जो है वो अटैच हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये सारा कुछ बिल्कुल पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्म में ही होगा क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के ही सिमिलर यहां भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है मीन्स दो ग्लूकोज यूनिट को या दो मोनोसेक्राइड्स को अटैच होने के लिए एक वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहां देखिए क्या हो रहा है ये जो कार्बन वन ये एक ग्लूकोज यूनिट और ये दूसरा ग्लूकोज यूनिट तो ये कार्बन वन है एंड दिस इज द कार्बन फोर राइट तो इस ग्लूकोज जो पहला ग्लूकोज यूनिट है माल्टोज की सिंथेसिस देख रहे हैं तो पहला ग्लूकोज यूनिट का जो कार्बन वन है उससे अटैच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके ओ और एच के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगा एंड एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाते वक्त शेयर कर रहे हैं जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो द इलेक्ट्रॉन विल बी गेट अट्रैक्टेड टूअर्ड्स दी ऑक्सीजन और इसकी वजह से ऑक्सीजन पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज राइट एंड दिस एच विल गेट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस एन दूसरे ग्लूकोज जो यूनिट है दूसरे ग्लूकोज में जो कार्बन फोर है कार्बन फोर है उससे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है अब ये कार्बन फोर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है यहां ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान कहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन के ऊपर जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज और ये जो कार्बन है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ओके और ये जो ओ है इट विल कम आउट इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ओ एच माइनस अब ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बनेगा एक बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है इसे ही कहते हैं हम इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ओके तो दो शुगर यूनिट के बीच में जो बॉन्ड बनता है बाई द रिमूवल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और उससे उस बॉन्ड उस को हम रिप्रजेंट करते हैं ऐसे ये देख रहे हैं आप ये वाला जो है ये बॉन्ड यहां पर है दिस इज दीजन एंड दिस वन इज द कार्बन फोर तो जो कार्बन वन है जो कार्बन वन है पहले ग्लूकोज यूनिट का वो बॉन्ड बना रहा होता है दूसरे ग्लूकोज यूनिट के कार्बन फोर के साथ और बीच में प्रेजेंट होता है और एक ऑक्सीजन और ये जो बॉन्ड है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ओके एंड दिस फॉर्म्स द माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे और बन रहा है यहां पर माल्टोस ऐसे ही ऐसे ही लैक्टोज और शुक्रोज का भी सिंथेसिस होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा एंड दैट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल शुक्रोज बनते वक्त भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा जिसमें भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट polysaccharides the third type of carbohydrate till then stay home stay safe use mask use sanitizer and maintain social distancing have a nice day